पानीपत में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर शुरू हो गया है। इस बार रोडवेज की बस ने डाहल टोल प्लाजा के पास एक बाइक को पीछे से टक्कर मार दी, जिसके कारण बाइक पर सवार पति पत्नी घायल हो गए। वहां से गुजर रहे एक राहगीर ने घायल पति पत्नी को सामान्य अस्पताल में उपचार के लिए भिजवाया। पत्नी की हालत गंभीर होते देख उसे रोहतक रेफर कर दिया गया, जबकि पति सामान्य अस्पताल में भर्ती है। वहीं बस चालक बस लेकर मौके से फरार हो गया। बता दें कि ताजा मामला सुबह का है, जब भंबेवा निवासी रफीक नामक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ बाइक से कोहंड अपनी बहन के घर जा रहा था। जैसे ही वह जब पानीपत के डाहर टोल प्लाजा के पास पहुंचा तो पीछे से तेज गति से आ रही हरियाणा रोडवेज की बस ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। भंबेवा गांव से आ रहा था मैं, डिस्ट्रिक्ट जींद से अपनी बहन के जा रहा था। कौन रोडवेज वो बस वाले ने मार दिया। मैं अपनी साइड में था बाइक पे, मिसिज के फ्रैक्चर है, मेरे भी कई जगह चोट है। ये तो एक भगवान आदमी था बेचारा, कोई कार वाला वो मेरे को बेचारा यहाँ पे छोड़ के गया। मैं भंबेवा गांव है डिस्ट्रिक्ट जींद में, वहाँ से अपनी बहन के यहाँ, कौन है मेरी बहन, वहाँ आने लग रहा था। मिसिज थी, मैं था, क्या नाम रफीक थे, अपनी बहन से फिटन जाते आड़ा ये कौन है। अरे टूल टेस्ट पे डर होया है, आगे आगे बाइक थी, पाछे बस थी, पाछे तो बगाई है रोडवेज की बस थी। हाँ रोडवेज वाली बस थी। मौके पर ड्राइवर पकड़ा गया? नहीं, उन्हें तो रोकिए नहीं, उन्हें तो रोकिए नहीं, बाद में फिर उसका लंबर लंबर ले लिया। कहाँ के रहने वाले हैं? भंबेवे के, जींद साइड की। आपको कैसे पता चला? भैया हम इसकी मम्मी हाड़म डाना रहे हैं, वहाँ से फोन आया जब हमने देखे वाले। ये कौन कौन थे? ये मियाँ बीबी थे। बाइक पे थे? हाँ बाइक पे थे। रेफर किया यहाँ? हाँ रोहतक। ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक करें।